गलतियाँ एक ऐसी चीज है यार जो हर एक बंदा अपनी लाइफ में कर रहा होता है। डिपेंड ये करता है कि हम कितनी जल्दी उन गलतियों से सीखते हैं और उनको फ्यूचर में नहीं दोहराते हैं। सबसे अच्छी चीज ये होगी अगर हम वो गलतियां खुद ना करके दूसरों की गलतियों से अगर हम सीख ले तो हमारे लिए वो सबसे ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है भैया कि जब तक तुम सारी गलतियां करो तब तक यार चीजें बहुत ज्यादा पीछे छूट जाती। तो तुमको दूसरों को गलतियों से सीखना है ताकि तुम उन चीजों को ना रिपीट करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विपुल बग्गा और यार मैं अभी अपने फाइनल ईयर में हूँ इंजीनियरिंग में, बीटेक में NIT रायपुर से। तो आज इस वाली वीडियो में यार मैं तुमको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी ITJEE जर्नी में करी है, जो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी JEE की जर्नी में हो, चाहे तुम्हारा JEE 2023 हो, 4 हो या कभी 5 भी आने वाला है, तो उसमें तुम वो मिस्टेक्स कभी मत करो। तो काफी लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते, तो आज मैं तुमको बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने अपनी ITJEE जर्नी में करी, जो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं नहीं किया होता, और अगर मेरे पास, और मैंने उनको सुधारा भी, बट अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं कुछ और अच्छा कर सकता था। तो तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं तुमसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को स्किप मत करना, अगर तुम चाहो तो 1.25x 1.5x में देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना। 5-6 मिस्टेक्स ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत बेसिक मिस्टेक से हम कर रहे होते हैं लेकिन हमको अंदाजा नहीं होता है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हो सके तो लाइक कर देना, लाइक से ज्यादा यार अगर किसी अपने 3-4-5 दोस्तों को भी शेयर कर दोगे तो काफी हेल्पफुल होगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कंटेंट तुमको JEE से बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर मिलता रहता है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार मेरी मिस्टेक नंबर 1 की। मिस्टेक नंबर 1 है यार क्लास 11th को बर्बाद कर लेना। ठीक है, मैंने क्लास 11th में वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं एक छोटी जगह से, एक छोटे टाउन से, बहुत जल्दी अपनी एक ITJEE की जर्नी लाऊंगा, तुमको वहां पर रियलिटी बताऊंगा। मैं छोटी जगह में था, जब मैं 11th क्लास में था मुझे नहीं पता था कि मुझे JEE एग्जाम भी देना है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे IIT NIT की तैयारी करनी है। तो मैंने क्लास 11th को बहुत ही नीचे लेवल पे रखा और उसको बर्बाद सा कर लिया। मतलब वो एक बेस होता है, सबको पता होगा यार क्लास 11 तुम्हारा बेस बनाता है। तो अगर तुम अभी क्लास 11th में हो, JEE 2024 को टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा सबसे बड़ा एम ये होना चाहिए कि तुम अपने क्लास 11th को वेस्ट मत होने देना यार। क्लास 11th बेस होता है, वो अगर तुम्हारा तगड़ा होगा तब तुम 12th में बहुत अच्छा कर रहे होगे, नहीं तो तुम 12th के टॉपिक्स पर डिपेंडेंट हो जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 12th करके तुम्हारा JEE नहीं निकल सकता, लेकिन 11th बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि शुरू से फिर मेरा जो फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट था जो कि पूरा 11th में आता है, वो एंड तक वो मेरा वीक पार्ट बन के रह गया, वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाया। तो मिस्टेक नंबर 1 ये रहेगी मेरी थी जो तुमको नहीं करनी है, क्लास 11th को तुमको अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है। अब आते यार दूसरी मिस्टेक के ऊपर। दूसरी मिस्टेक मुझे रियलाइज तो हो गई थी यार, लेकिन रियलाइज होते होते काफी लेट हो गया था तो मुझे कम टाइम मिला। दूसरी मिस्टेक यार प्रॉपर एनालाइज नहीं किया मैंने, कभी भी मैंने ना बैठ के इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया यार स्टार्टिंग में, कि कितना पोर्शन किस टॉपिक से आता है, कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, किस में ज्यादा समय लगेगा मेरे को पढ़ने में, किस में कम समय लगेगा, ऐसे मैंने कभी भी बैठ के एनालिसिस नहीं किया। अगर वो मैंने कुछ टाइम पहले कर लिया होता तो मुझे और ज्यादा प्रैक्टिकली और स्मार्ट तरीके से यार मेरा कुछ और बेटर मार्क्स आ सकते थे और कुछ अच्छा हो सकता था। लेकिन अगर तुम अभी अपने JEE की प्रिपरेशन के जर्नी में हो तो अभी अपना समय निकालो और उस समय में यार क्या करो, चीजों को एनालाइज करो। भले आधा एक घंटा लगता है वो कभी भी तुम्हारा टाइम वेस्ट में काउंट नहीं होगा। तुमको अपना आधा एक घंटा बैठ के इस चीज पे देखना है भैया, कैसे देखेंगे, 4-5-6 साल के पेपर उठा लो, उससे तुमको एनालाइज हो जाएगा, या कोई वीडियो देख लो भैया यूट्यूब में जहां पर क्वेश्चन बता रखे हैं भैया चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, तुमको अंदाजा लगेगा सबसे पहले कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, और दूसरी चीज कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है जिससे मैं पहले कर सकता हूं। स्कोरिंग टॉपिक्स की वीडियोस मैंने भी अपने चैनल पे बनाई है, तो जाकर के तुम एक बार चैनल की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं यार तीसरी मिस्टेक के ऊपर। ये एक ऐसी मिस्टेक है तो जो हर एक JEE एस्पिरेंट कर रहा होता है ना, या नीट एस्पिरेंट कर रहा होता है, वो ये यार मैं जब कोटा में था अपन को बहुत ज्यादा जोश होता है तो बहुत सारी अपन किताब उठा करके ले आते यार कि मैं ये भी बनाऊंगा, अरे भाई मैं ये भी बनाऊंगा। मैंने ब्लैक बुक उठा ली, मैंने इरोडो उठा ली, मैंने HC वर्मा उठा ली, मैंने सिंगेज उठा ली, सारी बुक्स मेरे पास थी यार। लेकिन अगर मैं तुमको रियलिटी बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा रैंक है JEE मेंस, अगर तुम उस लेवल की बात करो तो उन बुक्स की वाकई कभी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। जो मेरा मेन कोर प्रिपरेशन है वो क्लास के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉर्मूला और रिवीजन के बेसिस पे ही हुआ है, तो ये सारी चीजें ना वेस्ट हो जाती है। तो हमको ये रियलाइज करना है यार कि हमको अपने बेसिक क्लास पे ध्यान देना है, क्लास बहुत अच्छे से करनी है,
नोट्स खुद के बनाने हैं, ये मिस्टेक भी बताऊंगा। नोट्स तुमको बनाते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और कोई एक किताब पे अपन को फोकस करना है। ये नहीं कि भैया बहुत सारी बुक्स लेकर के आ गए और सब में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, किसी को कंप्लीट नहीं कर रहे। तो ये मिस्टेक मैंने अपनी ITJEE जर्नी में करी है, मैं तुमसे उम्मीद करूंगा इसको बिल्कुल भी ये वाली मिस्टेक मत करना। एक अच्छी बुक तुम चूज कर लो और उसके ऊपर स्टिक रहो, ये नहीं कि भैया चारों प्रकार की बुक जो है वो ला करके अपने घर में रख दिए, कोई काम में वो नहीं आती। बात यार मिस्टेक नंबर 4 के ऊपर। मिस्टेक ये मैंने एक टाइम पर आकर के रियलाइज कर ली यार, पहले यार मैं ना मैथ्स के पीछे भागा करता था। मैथ्स मुझे 10th तक बहुत पसंद थी, वही एक रीजन था मैंने क्लास 11 में मैथमेटिक्स चूज करी। और जब मैं 11th 12th JEE की प्रिपरेशन नहीं किया, मैं अपने कोटा जर्नी में गया, तब भी मैं मैथ्स के पीछे भागता था। लेकिन मिड वे आके मेरे को ये रियलाइज हो गया कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे कम समय लेगा, आधा घंटे से 40 मिनट लेगा और मेरे को मैक्सिमम मार्क्स दे करके जाएगा। आज मेरे को हो सकता है इनऑर्गेनिक बोरिंग लगे, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा मेहनत लगे, फिजिकल मेरे को मजा आता था, लेकिन इन सारे का कॉम्बिनेशन अगर मैं अभी मेहनत कर लेता हूं तो एग्जाम वाले दिन मेरे को सबसे ज्यादा ये बूस्ट दे सकता है स्कोर में। ये मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया अपने मिस्टेक को, इसलिए मैंने अपने केमिस्ट्री के पार्ट को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो तुम भी यार अगर JEE एडवांस JEE मेन की तैयारी कर रहे हो तो अपने केमिस्ट्री को कभी भी नेग्लेक्ट मत करना। हाँ मैं मानता हूं बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट का मैथ्स फेवरेट होता है, जैसे मेरा था, है ना, फिजिक्स फेवरेट होता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन यार केमिस्ट्री सबसे ज्यादा तुम्हारे को ना नंबर दिला रही होगी स्टार्टिंग में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया यार कि मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी और अभी मैं वो काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूं। तो केमिस्ट्री को तुमको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आता है यार पांचवे मिस्टेक के ऊपर। ये वाले मैंने ऑलरेडी तुमको एक अभी बोला ही था कि तुमको यार ना खुद के नोट्स बनाने। स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगता था यार कि कहीं से रेडीमेड नोट्स मिल जाए, सुंदर से प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, मैं उसमें से पढ़ लूंगा तो बेटर, अच्छा होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। लेकिन ये यार मिस गाइडेंस है, तुमको अपना खुद का नोट्स बनाना है। जब तुम कोई भी लेक्चर देखोगे, क्लास कर रहे हो, उसमें पढ़ पढ़ के रिविजन करके मेहनत से अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स तुम्हारा सबसे बेस्ट कंपेनियन होगा और उससे तुम्हारे भेजे में घुसेगा। जब भी तुम सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टाइम रिविजन करोगे तो तुम्हारे अंदर जब बेस्ट चीजें अगर तुमको डालना है तो वो तुम्हारे खुद के नोट से जाएंगे, किसी के और के प्रिंटेड नोट से, लिखे हुए नोट से नहीं जाएंगी। तो अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो कि भैया किसी पर डिपेंडेंट हो अभी तक नोट्स के लिए, बंद कर दो, जहां से भी पढ़ रहे हो अपने नोट्स खुद के बनाने स्टार्ट कर दो। और अब मैं बताता हूं यार तुमको अपना फाइनल मिस्टेक, जो मेरे को सबसे बड़ा मिस्टेक ये लगा कि मैंने यार काफी टाइम अपने JEE जर्नी में ना सेल्फ डाउट किया है कि क्या ये मेरे से हो पाएगा क्या। जैसे तुम भी कई बार कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो कि भैया कैन आई क्लियर JEE इन 3 months, क्या भैया 4 महीना बचा है, मेरा 0 प्रिपरेशन है, मैं अभी भी स्टार्ट करूंगा तो मेरा हो जाएगा क्या, काफी लोग ये चीज पूछते हैं। तो यही होता है यार सेल्फ डाउट। देखो मेरे बोल देने से या किसी और के बोल देने से कि हाँ यार तू कर लेगा या हाँ यार तू नहीं कर पाएगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। करना तुमको है, मेहनत तुमको करनी है। तो सेल्फ डाउट जो मैं कर रहा हूं यार आधे टाइम पे, वो एक रीजन है कि भाई मैं और इससे आगे नहीं जा पाया। तो अगर तुम ITJEE की जर्नी में हो, तैयारी कर रहे हो, तो सेल्फ डाउट करना छोड़ दो, चाहे जिस भी स्टेज में हो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। क्योंकि यार मैक्सिमम वर्स्ट रिजल्ट क्या हो सकता है, मैक्सिमम वर्स्ट रिजल्ट होगा सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं होगा। तो क्यों ना कोशिश करके तुम देखो। तो कभी भी यार गिव अप मत करना और सेल्फ डाउट मत करो कि मेरे से होगा कि नहीं, लोगों का तो इतना अच्छा नंबर आ रहा है यार, उससे ये वाले चैप्टर्स भी बन जा रहे हैं, मेरे तो इससे नंबर ही नहीं आता। ये सेल्फ डाउट को छोड़ करके सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा जब भी तुम ITJEE का एग्जाम दोगे। तो ये यार कुछ 5-6 मिस्टेक्स हैं। ये मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, तुम इन चीजों को अभी डायरेक्ट जान ले रहे हो ताकि तुम आगे इस मिस्टेक्स को ना करो। तो ये वीडियो यार उम्मीद करता हूं तुमको हेल्प किया होगा थोड़ा बहुत। तो अगर तुमको अच्छा लगा हो तो 3-4-5 अपने जितने भी दोस्तों यार उनके साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल और मोटिवेशनल कंटेंट तुमको JEE बोर्ड से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। कुछ भी चीज अच्छा लगा हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।